मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। उड़ीसा में एक बार मैं कालाहांडी क्षेत्र में गया था, वहां मेरे व्याख्यान का आयोजन हुआ था। उस व्याख्यान में 3 लोग आए थे सुनने के लिए, एक मैं खुद था, एक माइक लगाने वाला और एक दरी बिछाने वाला, 3 लोग आए थे। मैंने माइक वाले भाई को पूछा कि व्याख्यान किसको करना है, यहाँ तो कोई आया है। तो उसने कहा मैं सामने बैठ जाता हूँ, मुझे भाषण करो। मैंने कहा तुम अकेले सुनोगे? उसने कहा मैंने माइक ऐसा सेट किया है कि सब अपने घर में बैठ के सुनेंगे। तो मैंने कहा जो घर में बैठ के सुन सकते हैं वो सामने भी आ सकते हैं। तब उसने बहुत उदासी के साथ कहा वो आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं। तो मैंने कहा मुझे उनके घर ले चलो। तो उसने कहा चलो। तो उसने सबसे पहला घर जो मुझे दिखाया वो गांव के सरपंच का घर था और सरपंच के घर की कुल लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 10 फीट, एक झोपड़ा आधा टूटा, पानी टपकता हुआ। मैंने उसमें खटखट किया तो सरपंच की पत्नी बाहर आई। तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर तो कोई वस्त्र नहीं था, नीचे उसने एक फटा हुआ तौलिया लपेटा हुआ था जो पूरा नहीं था। तो मैंने उससे कहा आप अंदर जाओ, अपने पति को भेजो। तो थोड़ी देर में जब उसका पति बाहर आया तो मेरी आंख में आंसू आ गए ये देखकर कि वो वही फटा हुआ तौलिया लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। ऐसी गरीबी में 37 करोड़ लोग रहते हैं। गरीबी के बारे में मुझे कल्पना नहीं थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मैं पहली बार जब कालाहांडी जिले में गया एक व्याख्यान देने के लिए, कालाहांडी भारत का सबसे गरीब जिला कहलाता है, तब मुझे अंदाजा लगा कि गरीबी कितनी है। कालाहांडी में जब मैं व्याख्यान देने के लिए गया तो मेरी सभा में 3 लोग आए, एक मैं खुद, एक माइक लगाने वाला और एक दरी बिछाने वाला। 3 लोग आए थे, हम 3 लोग थे, मैं खुद बोलूं और सुनूं और 2 लोग वो थे। फिर मैंने माइक वाले को पूछा भैया ये क्यों नहीं आए लोग सुनने के लिए? उसने कहा आप चिंता मत करो, भाषण करो, वो सुनेंगे। मैं पूछा वो कैसे? उसने कहा घर में बैठ के सुनेंगे। मैं कहा जब घर में बैठ के सुन सकते हैं तो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तब उसने गंभीरता से कहा कि वो आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। मैंने कहा मुझे उनका घर दिखाओगे? उन्होंने कहा चलो। तो वो ले गया मुझे सरपंच के घर में। सरपंच का घर देखा तो टूटी हुई झोपड़ी 10x10 की। मैंने दरवाजा खटखटाया, सरपंच की पत्नी बाहर आई। मैंने कहा आपके पति से मुझे कुछ काम है। तो उसने कहा थोड़ी देर इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद जब उसका पति बाहर आया तो मैंने देखा पति वही कपड़ा लपेट कर बाहर आया था जिसको पत्नी लपेट के बाहर आई थी। ऐसी गरीबी में इस देश के करोड़ों लोग रहते हैं। और जब अंग्रेजों की लूट के दस्तावेज मैंने पढ़े तब पता चला कि सबसे ज्यादा लूट उसी क्षेत्र में अंग्रेजों ने की है, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में। इसलिए सबसे ज्यादा गरीबी भी वहीं दिखाई देती है।